हाशमीगर से बादशाह की सदा आती है, बादशाहों मरुमर की सदा आती है। आज भी फातिमा ज़हरा के मकाम से आरो चक्की चलती है और बिलावल की सदा आती है। लाचार है दैयन करके रहती सारे, अब पिचो खम्बे दिल को उलझाने का नहीं है, ऐ दोस्तों ये वक्त जाने का नहीं है। हजरात इस वक्त खतीब आलम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब चुगलावला मेंबरे पार्लियामेंट सभा पे तशरीफ फरमा है। दूसरी जाने 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 खतीब अहले सुन्नत हजरतुल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती अली असगर साहब बिस्वाही ये भी तशरीफ फरमा है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज बखारी कनीदुल कादर साहब सुबला हजरतुल नूरानी ये भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह का किताब शख्सियत की मेरी पाली मासूमा पे तशरीफ फरमा है। दीगर हमारे भाई कान तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप तमाम के तमाम लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं, मगर बीच में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। आप अगर चाहें तो इसे पूर कर सकते हैं। ये आपका दलता है, आप इसे कामयाब करेंगे। आप पीछे बैठ रहे हैं, करीब होते हजरात बड़ा अच्छा होता, क्योंकि इस वक्त वो अजीम खतीब मेरे पास के मुस्तफा पे तशरीफ फरमा है, जिनको देखने के लिए पूरा भारत चैनल बेकरार है। लिहाजा इस वक्त वो अजीम खतीब खतीब आलम हिंदुस्तान हजरतुल्लामा हजरतुल्लामा महाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सुल्ला मदरसा नूरानी मेंबरे पाक के मुस्तफा पे तशरीफ फरमा है। आप तमाम के तमाम लोग बिल्कुल करीब आ जाइए, जो लोग उनसे आ रहे हैं करीब भाई आप इसे करवा दें, जरा आप आ जाइए। ये हमारे नौजवान कुछ दिखाई दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप ये हैं खाली आप ही हकूल कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अल्लाह का फजल है, आप नाफिले रसूल को खूबसूरत बनाइए, अल्लाह अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। हजरत कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता कह दीजिए, कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता। या रसूल अल्लाह आप नाते तो ये कुरान कहां से आता, मौलाना की तवज्जो चाहूंगा, कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता। या रसूल अल्लाह आप नाते तो ये कुरान कहां से आता, कितने शहजाद से कुरबान रबीउल अव्वल, अरे तू नाता तो ये रमजान कहां से आता, कितने शहजाद से कुरबान रबीउल अव्वल, अरे तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। आपका हाल नहीं हो गया, जो नवाबों का शहर लखनऊ में एक पंखा बेचने वाला पंखा बेच रहा था, आवाज लगाया था 10 पंखा, दूसरा पंखा, दूसरा पंखा, आवाज लगाते जा रहा था। जिंदन डब्बे में एक आदमी सफर कर रहा था, कहा कि भाई साहब इतने के ले रहे हो, कहा कि 10 रुपये में, कहा कि एक ले दो। पंखा दिया, लेने के बाद कहा कि इसकी गारंटी वारंटी है कि नहीं, कहा कि फुल गारंटी वारंटी। उसके बाद में पंखा बेचने वाला आगे निकल गया, ये सिर्फ पंखा दो मरतबा दे रहा है, पंखा दो मरतबा दे रहा है, पंखा देने के बाद पंखा वही हुई, पंखा वाला उधर से वापस करता, कहा कि भाई क्या इसकी गारंटी वारंटी है, मैं सिर्फ दो मरतबा पंखा दे रहा हूँ, पंखा यही टूट गया, आखिर क्या वजह है, क्या गारंटी वारंटी देते हो। कहा कि पंखा दे रहे अल्लाह, कहा कि यार मैं पूछो अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सिबला की खिदमत के लिए पंखा देता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली असगर साहब की खिदमत के लिए पंखा देता हूँ, अल्लामा तनवीर कादर साहब के लिए पंखा देता हूँ, ठीक है अल्लामा के लिए पंखा उनकी खिदमत में हमेशा भी पंखा दे रहा हूँ, और तुम कह रहे हो पंखा देने आता कि नहीं। कहा कि पंखा कैसे दे ले, कहा जैसे देना जाता है भाई, कहा कैसे, कहा कि भाई भाई, कहा बेवकूफ कहेंगे उसकी फूल गारंटी कहाँ से, पंखा सामने रखते सर हिला सर हिलाओ फूल गारंटी, ज्यादा आप अभी हाल कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश है, न लब खोल रहे हैं न कुछ बोल रहे हैं, मोहब्बतों के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मेरी नजरें एक ऐसे कामयाब खतीब पे डाल चुकी है, जिनके जुमले नजर महाबियत के पर्दे को चाक करके इस शेर रसूल का चाक करा दिया करते हैं, जिनके जुमले नजर महाबियत का अतिक्रमण घरों पे फराका करके इस शेर रसूल का खूबसूरत आदमी मालूम कर दिया करते हैं, ऐसी बातें वाले बात हजरत करबला महाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सिबला सिवानी के लाभ वाले बात, पूरा बंदा जहां से आएगा वहां तक अपने हाथों को दबा दीजिए, इसे फौज के नारा लगाइए नारे थोड़ी सौ रुपये डाल लाइए,
आपने इंसाफ का मारे मदरसा हालिया जान लो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान अता साहब सुनना नारे गुजारिश करूंगा कि बात आगे मौजूद दारुश शफा के लिए आप सुभान अल्लाह कह दीजिए बात आगे मौजूद दारुश शफा कीजिए वादे अजमेर को शफा कीजिए क्या बता